सीए विरोधी प्रदर्शन पर संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया, जहां शर्जिल इमाम को सरेआम गोली मार देनी चाहिए, कहना संगीत सोम का। तो प्रदर्शनकारी महिलाओं को विपक्ष से फंडिंग मिल रही है, एएमयू और दारुल उलूम आतंकियों के लिए पनाहगार। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, संगीत सोम का विवादित बयान। एक बार फिर से अपने विवादित बयानों के जरिए ही काफी मुकर है और अब उन्होंने एक और विवादित बयान यहां पर दिया है। तो सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा है कि भड़काऊ भाषण देने वाले जेएनयू छात्र शर्जिल इमाम जैसे लोगों को चौराहे पर खड़ा कर गोली मार देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए दिल्ली का शाहीन बाग पिकनिक स्पॉट बन गया है। प्रदर्शनकारियों को विपक्षी पार्टियां रुपए दे रही हैं, विदेशों से भी फंडिंग की जा रही है। जो महिलाएं धरने पर बैठी हैं उन्हें काम धाम नहीं, धरना कर रही हैं और सब महिलाओं पर केस दर्ज कर जेल भेज देना चाहिए। तो ये विवादित बयान, तो जिस तरह से सीओ और एनआरसी का विरोध लगातार शाहीन बाग में किया जा रहा है और शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी हुई थी, अब उसी पर विवादित बयान देते हुए संगीत सोम ने कहा है कि शर्जिल इमाम जैसे लोगों को चौराहे पर खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए। तो एक बार फिर से माधो में तो एएमयू और दारुल उलूम आतंकियों के लिए पनाहगार है। शर्जिल इमाम जैसे के बारे में अगर मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसे तो ऐसे लोगों को जो देश का बंटवारा करने की बात करते हो, देश को तोड़ने की बात करते हो, चौराहे पर खड़ा करके फांसी के फंदे पर लटका कर गोली मार देनी चाहिए। किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाना चाहिए।